कैम्फोरा कोलरा सिम्टम्स कॉज क्या होगा कोल्ड एयर सनस्ट्रोक वैक्सीशन ऑनसेट कैसा होगा रैपिड विथ कोलेब्स सडन अटैक होगा वॉमिटिंग और डायरिया का अपीरेंस कैसा होगा पेशेंट का ग्रेट कोल्डनेस ऑफ फेस विथ सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स ऑफन ऑफन अ रेमिडीन कंजेस्टिव चिल पर्नीशियस इंटरमीडेंट कुछ टाइम तक फीवर रहेगा फिर वो कम होगा फिर दोबारा से होगा इस टाइप का फीवर प्रेजेंट होता है विद ग्रेट कोल्डनेस ऑफ फेस एंड सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स पल्स कैसी होगी ऐसा जो इंटरमीडियंट uh, फीवर है विरेटम में भी है पल्स वीक एक्सटर्नली स्मॉल स्कास्टली परसेप्टेबल नोज़ कैसी होगी कोल्ड एंड पॉइंटेड सरफेस कोल्ड टू टच सरफेस कैसी होगी कोल्ड टू टच येट कैन नॉट बीयर टू बी कवर्ड सरफेस उसकी बॉडी की सरफेस कोल्ड है पर तब भी कवरिंग कवरिंग uh, उसको नहीं चाहिए थ्रोज ऑफ ऑल द कवरिंग मेडोनाइनम एंड स्केल इन दोनों में भी ये सिम्टम प्रेजेंट है दैट सरफेस कोल्ड टू टच येट कैन नॉट बीयर टू बी कवर थ्रोज ऑफ ऑल कवरिंग एंटायर बॉडी पेनफुली सेंसिटिव टू स्लाइटस टच पूरी बॉडी किसके लिए सेंसिटिव है टच के लिए पल्स अभी बताया स्लो वीक एंड इम्परसेप्टेबल क्वान्टिटी ऑफ डिस्चार्जेस कैसे हैं ऑल डिस्चार्जेस स्कैंटी सारे डिस्चार्जेस स्कैंटी है तब भी पेशेंट को लैप्स हो जाता है ऑल डिस्चार्जेस स्कैंटी येट पेशेंट को लैप कोलैप्स सडन अटैक ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया है नोज कोल्ड एंड पॉइंटेड है एंशियस रेस्टलेस पेशेंट कैसा है एंशियस है और रेस्टलेस है इसमें अपर लिप्स रिट्रैक्टेड ड्यूरिंग नोजिया ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें कैम्फोरा में स्किन एंड ब्रेथ भी कैसी है कोल्ड जो कि विरेटम और जेट्रोफा में भी ये सिम्टम है किस में यूज़ करा जाता है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलेरा मॉर्बस कोलेरा की फर्स्ट स्टेज में एंड एशियाटिक कोलेरा इन दोनों की फर्स्ट स्टेज में कैम्फोरा को यूज़ करा जाता है सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल जो कि विरेटम में भी प्रेजेंट होती हैं कैसे स्टूल होते हैं इसके राइस वाटरी स्टूल स्मेल लाइक कैम्फर राइस वाटरी स्टूल होते हैं जिनकी स्मेल कैम्फर की तरीके से होती है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू तो कोल्ड एयर कैम्फोरा का प्रेशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए लाइक हिपर काली सोराइनम